अगेन हेलो गाइस, दिस इज जोगो A3। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। दरअसल हम नारा मक्ता पे रुके हुए थे अभी पकौड़ी वगैरह वगैरह खाने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो पकौड़ी है बहुत फेमस है, हर कोई यहीं पे रुकता है। खासकर रोडवेज की बस तो यहीं पे रुकती है, अपने पैसेंजर को रोकती है यहीं पे खाना पीना खाने के लिए। खाना पीना भी बढ़िया मिलता है, लेकिन हमने खाना पीना खा लिया था और अभी हम सिर्फ पकौड़ी खाने के लिए यहाँ पे रुके थे। तो हमने पकौड़ी वकौड़ी खा ली और अब हम निकल रहे हैं आगे, और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, क्योंकि ये सीधे हमें हल्द्वानी वाली रोड पे पहुँचाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको स्प्लेंडर देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी रहते हैं, स्प्लेंडर बुलेट। और यहाँ से नानुमत्ता का जो गुरुद्वारा है उसकी मार्केट शुरू हो जाती है, और ये पूरी मार्केट उन्हीं की है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, खासकर तलवार कड़े वगैरह वगैरह। और ये है नानुमत्ता का गुरुद्वारा, हल्का सा आपको दिख पा रहा होगा। हाँ, तो ये है यहाँ का गुरुद्वारा, और यहाँ से स्ट्रेट जाके हमें मिलेगा आगे जाने का रास्ता। सो गाइस, ये है ब्रेकर, ये है ब्रेकर। तो यहाँ से अब हम राइट टर्न लेंगे और सीधे हाईवे पे यहाँ से हम मिल जाएंगे हल्द्वानी की ओर जाने वाले, टनकपुर हल्द्वानी हाईवे पे, जो कि बहुत बेकार है भाई अभी। सो गाइस, फिर से आ गए हैं ऐसी रोड पे जो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची है, और ये बिना बताए यहाँ पे आपको ब्रेकर मिल जाएंगे, ना कोई शाइन है ना कुछ, ये बस आप चलते जाओ और सामने आपको ब्रेकर मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ब्रेकर नहीं भी मिलेगा तो ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ रोड मिल ही जाएगी। फिर से यार, कम से कम ब्रेकरों के लिए साइन तो लगवा दो भाई, ये अब क्या बोलोगे आप इसमें बताओ? आपने तो गाड़ी चलानी पड़ेगी मजबूरी में, क्योंकि हमने तो जाना ही जाना है। इन लोगों ने बीच में गड्ढे हुए थे तो वो सिर्फ गड्ढे भर दिए हैं, तो रूट क्या हो गया, ऊंचा नीचा वगैरह वगैरह हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कुछ ज़्यादा ही जो रूट है ऊंचा नीचा, अरे दादा उबड़ खाबड़ हो चुका है। तो गैज, असली रूट तो यहाँ पर बात कर रखा है इनने, ये रूट वहाँ से ख़राब है। यहाँ से चोरगलिया 18 किलोमीटर है, मात्र 18, और इस 18 किलोमीटर को कवर करने में एक से दो या एक से डेढ़ घंटा लग जाता है, क्योंकि ये रूट इतना ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब बोल सकता हो हद ही ख़त्म है ये रूट, ख़त्म जिसे बोला जाता है, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या बताऊँ भाई। यार आप लोग, मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ भाई, कितने टाइम से हम इस रूट को देख रहे हैं, ऐसे का ऐसा ही है भाई। मैं कम से कम अगर आप हमारा चलान ले रहे हो हेलमेट ना पहनने पे, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए लेते हो ना, कि भाई कहीं गिरे तो मर ना जाए। भाई अगर हम इस गड्ढे में गिर जाएं तो उसका क्या, इसका चलान कौन देगा ये बताओ? ये देखो भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर, क्या कर लोगे आप इन गड्ढों का बताओ? और इस पर चलते हैं एक तो बड़े बड़े ट्रक हैं, अगर वो ट्रक कहीं से पता चला किसी दिन कोई ट्रक पलट गया भाई, हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे उसमें, फिर क्या। कम से कम गड्ढे भर देने चाहिए, इतनी बेकार रोड हो रही है। और वैसे भी ये हाईवे है, टनकपुर हल्द्वानी का पूरा हाईवे है, और उसकी कंडीशन इतनी बेकार है, बताइए कोई कह सकता है इतना बेकार हो सकता है कोई हाईवे? इतने गंदे गड्ढे भाई साहब, बहुत ही भाई यार, पहले दूसरे गियर से ऊपर से गाड़ी चढ़ानी मुश्किल हो जाती है इसमें, जैसे तीसरे गियर की ओर बढ़ो भाई डाउन मारो,
क्योंकि गड्ढों से बचाओगे गाड़ी किससे बचाओगे, गाड़ी ख़त्म हो जाती भाई। पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन आ गई मेरी इस रोड पे चला के, होने को पहले से थी लेकिन यहाँ पे चला के तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। हालत पतली है भाई, कहाँ से कहाँ ले जाएगा आदमी गाड़ी बताइए। अब ये सामने की कार देखो कहाँ से कहाँ की ओर आया भाई, ये देखो भाई साहब ये इतने गहरे गड्ढे हैं कि आप इसमें पानी भर के तैर सकते हो। अब देखो ये गाड़ी देखो कितना इधर को आ रही है भाई, उसकी भी क्या गलती है, वो भी अपनी गाड़ी को बचा रहा है। सेम कंडीशन हमारे साथ भी है। अब जो परमानेंट इस रूट पे चलते हैं वो तो जैसे तैसे कटकूट मार मूर के भगा लेते हैं, जो कभी कभार आते हैं भाई उनकी वाट लग जाती है। अब कहाँ से कहाँ ले जाओगे, पहले इधर को ले जा रहा हूँ इधर गड्ढा, उधर को ले जा रहा हूँ उधर गड्ढा, भाई एक गड्ढे में तो गाड़ी जानी जानी है। अब ये रिक्शी को देखो वाट लगी बड़ी है, ये गड्ढे से बचाएं पास झूले क्या करें बताएं। और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं इनसे कुछ ज़्यादा ही मुझे उम्मीद है कि ये रोड को और खोद देंगे, क्योंकि हैवी ट्रक चलेंगे तो ऑब्वियसली रोड में गड्ढे होंगे ही होंगे। अब यही देख लो भाई वो कहाँ ले जाओगे गाड़ी बताओ। अब ये रोड बेची बस को देखना भाई, भाई मुड़ा ले कटा ले भाई ना, हमें ब्रेक मारना पड़ेगा। और इन गड्ढों में क्या करोगे बताओ। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई सरकार इसके लिए भी पे करेगा कि अगर कहीं पे गड्ढा मिले, जैसे हमारा चलान कटता है भाई कागज़ ना हेलमेट ना होने पर, कागज़ ना होने पर गाड़ी के इंश्योरेंस ना होने पर, वैसे इनका भी चलान होना चाहिए कि भाई रोड पे अगर गड्ढा हुआ तो इसका चलान आप भरोगे, या जो भी नगर पालिका जो भी इस रोड का ठेकेदार है वो भरे भाई यार, चलान हम दें और उसके बाद इतनी गंदी रोडों पर भी चलाएं, ये कोई बात होती है। हमारी ज़िंदगी तो आप ही खतरे में डाल रहे हो पहले इन गड्ढों में गाड़ी चलो आगे बताओ, और बोलते हो भाई सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनो ये पहनो वो पहनो, भाई हेलमेट पहन के क्या हो जाएगा, बकवास करना है भाई क्या कहें, बेकार है कहना कुछ भी।